और एक तरीके दिखने में बड़ो ही है, वो खतरनाक लागे लाग रहे। और पकड़ के रखो थोड़ो यार, पकड़ के रखो यार, बूढ़िया जी 100 सारी चीज है, 50 में जानते रहे बाप आते हैं। कीमत कितनी के वैसे भाई साहब? इनकी लास्ट टू लास्ट ईयर 5 लाख लगी सेम मेला में। आम आदमी के लिए समझने बात करा, व्हाइट कलर का जो घोड़ा हुआ नुकरा हुआ है भाई साहब। घोड़ी बैठा भी कोनी अभी, सही बात है? हाँ नहीं बैठा कोनी घोड़िया अभी तो फिलहाल, तो मैं बैठे रहूँ ऑस्ट्रेलिया रूम, मैं बैठ हूँ स्पेशल मेला भी आयो। तो देख पाओ ला रहे हो थे नगर परिषद की तरफ हूँ, अठे जो पानी को छिड़काव है वो चला लाग रहे है। ये देख पाओ ला रहे हो थे, ये भाई साहब है और घोड़ा को आपका घोड़ा को आनंद लेवा लाग रहा है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर 18वां भटनेर अश्व मेला को आगाज हो चुके है, बता दियो थाने 14 दिसंबर से वो मेलो चालियो हो और अब धीरे धीरे अठे मेला के अंदर दुकाना भी लागनी शुरू हो चुकी है। और अश्व मेलो है, मेले की विशेषता बता दूं, दूर दराजों जो घोड़ा है तरह तरह की प्रजातियां घोड़ा, चाहे मारवाड़ी कह दें चाहे नुकरा कह दें, अलग अलग प्रजातियां का घोड़ा है अठे आवा। और प्रतिदिन घोड़ा की है जो प्रतियोगिता भी होगी, के अलावा आप बात कर लें डॉग की बात कर लें या रंग बिरंगा पक्षी की बात कर लें मुर्गा की बात कर लें, तो जितनी भी सारी की सारी जो नायाब चीजें हैं सब की सब अठाई मेले के अंदर मौजूद है। तो आज जानेंगे मेले की विशेषता और जो तरह तरह की जो प्रजातियां घोड़ियां आईडी और मेलो चले वो कब तक और मेले की विशेषता रहेगी। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। देख पावला रे डोजर है, जर्मन शेफर्ड है और कुत्ता को जो डॉग को नाम है वो है डोजर और एक तरीके दिखने में भी बड़ो ही है, वो खतरनाक लागे लाग रहे। और हां भाई साहब को रहा हूं जानेंगे अपन कितनी उम्र है भाई जी की? कितना साल को? 2 साल को। इनकी खुराक वगैरह के कुछ आएगी जी? फीड रॉयल कैनिन घर को खानो पीनो सब्जी रोटी बस। अच्छा अच्छा, इन भाई जी एक बार बांध दियो थे आप यार, फिर आराम चर्चा कराएं, मैंने डर लगे यार कुत्तों को यार। थारो के शुभ नाम है? मेरो नाम जय खिचड़ है जी। जय खिचड़ जी खटक रहना रहो, मैं मक्का सरगो रहना रहो। तो के कुछ है थारगन? अरे वो डॉग भी घोड़ा भी है और के क्या है? अपने ननियालू आईड है, ठीक है, घोड़ा वगैरह है अपने फ्रेंड आजाद जी सारे नंगो एक घोड़ी में। अच्छा घोड़ा है, डॉग अपनो है। अच्छा अच्छा, आंगी घोड़ी है। एक मनिया बताओ जर्मन है जो आंगी कितनी की उम्र कितनी को है? गणी हुए जी, 10-12 साल लो भी देखे हुए हैं। 10-12 साल, बाकी आमतौर पर बाकी डॉग कितनी उम्र? बाकी तो सेम ही है, के केस का रहना तो बूढ़िया जी 100 सारी चीज है, 50 में जानते रहे बाप आता है। डोजर जो जर्मन शेफर्ड है, अच्छा इनकी कीमत कितनी के वैसे भाई? भाई साहब इनकी लास्ट टू लास्ट ईयर 5 लाख लगी सेम मेला में। अच्छा ई मेला में लगी? अब गए लार लगे लार लो लार ले साल, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो मैं बैठे रहूँ ऑस्ट्रेलिया रूम, मैं बैठ हूँ स्पेशल मेला भी आयो। ऑस्ट्रेलिया की आपको बिजनेस है सर? स्पेशल मेला में आयो ऑस्ट्रेलिया? बिया तो मिले नहीं आनो सके, लेकिन अभी मेरी टिकट आ जगी रिटर्न, फिर मैं 15 दिन और आगे करा लिया। और अब मैं सेल तो थे कर दूँ? नहीं नहीं सेल को नहीं, शौक भी रखे है। कीमत लगाओ और ले जाओ आप वगैरह और बेचना को नहीं। भाई जी के माकुण सी नस्ल घोड़ा? मारवाड़ी है जी। अच्छा मारवाड़ी घोड़ा, हम कितनी प्रकार की हो नस्ल? मेनली तीन जो आज आम देखने लग रहे हैं, मारवाड़ी हुआ, सिंधी हुआ और काठियावाड़ी। नुकरा मारवाड़ी में एक निकलड़ी नस्ल है, अगर नुकरा आम आदमी के लिए समझने बात करा, व्हाइट कलर का जो घोड़ा हुआ नुकरा हुआ भाई साहब। अच्छा दोड़ा घोड़ा, नुकरा घोड़ा ना नुकरा की। हाँ कितने टाइम शौक गया था ना घोड़ा वगैरह? घोड़ा को शौक तो वो बचपन में हमेशा शो देखता और मनमानती घोड़ा ले आवा, पर गरगा तारे पर तो आज आम घर में अलाउ कोनी वे कोई चीज, बस अब नौकरी लाग गया तो गरगा ने रिक्वेस्ट करी के मैं बचपन मारो शौक है अब तो मैंने ले आने दो, तो गरगा अलाउ कर दी और अब ये घोड़ा लिया है। अभी तो फिलहाल एक ही है, पहला दो हा एक सेल कर दी, एक है इन्हें परचेज करें तो ज्यादा टाइम कोनी, 4-5 महीना ही घोड़ी तो पहला और ही। अच्छा भाई साहब अब बात करा पाएंगी खुराका वगैरह के कुछ? खुराका भाई जी मेनली जो आम रेगुलर रूटीन में जो खिलावे मूंगफली चारो खिलावे और जोई और मौसम के हिसाब से सर्दी में बाजरो खिला दे आप और चना चूरी है बिंग अलावा तो कुछ भी खिला सको। मेरो गांव मुंडो है जी। मुंडा? हाँ मुंडा गांव में तो मन लगे। अच्छा ग्राम विकास मुंडा गांव मतलब थार के नहीं लगे घोड़ा? हाँ मुंडा गांव में अकेले मेरे पंचायत सेक्रेटरी हूँ, सागे सागे घोड़ा भी रखू, कुत्ता भी जर्मन भी मैंने लोग जाना है, आजाद सारण नाम है मेरे और बहुत पुराना कुत्ता है। चुनावी यात्रा? हाँ हाँ बिल्कुल देखा था ना वीडियो, बहुत पहले देखने लग रहा है। सब्सक्राइब कर दो? हाँ बहुत आज हूँ नहीं बहुत पहले हूँ, शुरुआती हूँ। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप कौन सी नस्ल है भाई जी? मारवाड़ी है। मारवाड़ी में रंग ब्लैक ही होगा कि नहीं? ब्लैक आवे और इन अंदर 3-4 कलर आ जाए जी। अच्छा। एक वो आ गया रेड और कई कलर आ जाए मारवाड़ी के अंदर। पीर कमड़िया में ज्यादा है ना? पीर कमड़िया सक्सेस पीर कमड़िया खूब है जी, 100 घोड़ा लगभग होगा। घोड़ी बैठा भी कोनी अभी, सही बात है? हाँ नहीं बैठे कोनी, घोड़िया बच्चा बुच्चा बैठ जाए घोड़िया जी, रात ने बैठे दिन में देख तो ना आवे जब बैठे और हाँ दिन में बैठ भी जाए तो एकदम कोई बंदे को देखता ही पग फिर होता ही खड़ी हो जाए। पार्टिसिपेट करा गए घोड़ा खातिर? हाँ जी हाँ जी। कुछ इनाम है जितनिया ने? जितनिया ने जी अलग अलग हुआ प्राइज, 8 है 11,000 21,000 जी, बड़ा शो है तो मैं 1,00,000 भी हुआ 1.5 लाख भी हुआ। तो मारे के लारा खड़े हुए? नहीं मारे ये लाता तो जी थोड़ा ध्यान रखना पड़े। वो क्रॉसिंग वगैरह कितने रुपए ले हुए?
क्रॉसिंग अजय अलग अलग हो जी घोड़ो बढ़िया लाइन को आज खानदानी है तो अब तो दो दो लाख ने भी हो रही है फीस दो लाख रुपया क्रॉस जी हाँ जी हाँ जी दो दो लाख भी हो रही है डेढ़ लाख 50,000 51,000 तो नॉर्मल है अब एक बच्ची आया जी एक बच्ची पहले आई अभी 3 तारीख ने भी शांत होगी बच्ची का बहुत अच्छी बच्ची तो वैसा वांगे तो मतलब केयर वगैरह सारी चीजें है ना पूरी बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब बच्चा की तरह रखनी पड़े वैसा बिल्कुल टाबरों की तरह रखनी पड़े तो घर खड़े वैसा थारो पीर का बढ़िया है जी अपनो पीर का बढ़िया होस्ट करवाया करे ना हां मैं आप मतलब कमेटी का मेंबर हां मैं भी हूं कमेटी का मेंबर ही हूं और हमारी मतलब ये मैं कम से कम 25-30 जना की कमेटी है कितनी तारीख तक चलोगे मतलब वो 11 तारीख को 17 तारीख तक है वैसा 14 को नहीं होगे नहीं नहीं 11 और 17 भी पहला मैं जिगे 3 दिन रिंग होती जी मतलब 15, 16, 17 और अब 14 ने वास्ते रिंग करिए कि भी लास्ट वाले जी चाल लाना ने ना चलाने टाइम कौन दे पाता बनो फटाफट करवाओ पर तो मैं वास्ते फिर मैं एक दिन मतलब 14 तारीख ने एक दिन पूरा ले लियो तो भी मतलब सब अन्य जानवर ने और डंगू टाइम मिल सके तो ये जो इतनी मतलब जगह वगैरह दुकान वगैरह लागे करे आंगो तो आंगो जी मान लो थे टेंट लगे तो खर्चो थारो लागे हो जो मेड़ो होस्ट नहीं सर इंगो जो अब मिल वो सब ठेका पर डेढ़ हुआ है तो दुकान कट्टा है लॉटरी निकलेगी इन दुकान नहीं लॉटरी को नहीं वो जी मतलब एक बंदो टोटल लगावा है ठेकेदार है जी तो भी ने मतलब मैं सब ठेको दे दिया वो मर आपके हिसाब दुकान है हाँ तो इंग जी मतलब पर स्टोरी को है 10,000 रुपये आज की टेस्ट लगा इंग अलग खर्च हुआ टेंट को और मतलब 20,000 रुपया पड़े मान लो घोड़ा लेके बने के इनकम अबे 10,000 रुपया मान लो लगा दिया एक दुकान का 8,000 तो बने इनकम के इनकम कोई जानवर बेचना चाहे आपको तो बिके भी है तो बिना वो इनकम तो जानवरों में निकलनी है इनकम तो और अब जी हम कौन बेचना हो तो मेरा शौक है शौक वास्ते जानवर ने मेला दिखाना है लोग देखेगा जानवर ने तो ही वो ज्यादा पब्लिसिटी है तो देख पावला रहे हो थे नगर परिषद की तरफ वो अठे जो पानी को छिड़काव है वो चाला लाग रहे है और पूरे को पूरा प्रशासन को पूरा सहयोग है मेला के अंदर और प्रशासन का नुमाइंदा है मेला ने संभालन भी एक रहा है और अब नगर परिषद की तरफ आई है दमकल विभाग गाड़ी या दमकल की और माटी वगैरह ज्यादा ही तो पानी को छिड़काव अटे चाला लाग रहे है तो पीछे थे मेरे देख पावला रहे दो घोड़ा आ है राजलक्ष्मी और ओ है रॉक स्टार और रिश्ते के अंदर दोनों का दोनों माँ बेटा है आ माँ है तो ओ बेटो है और रॉक स्टार नाम है इगो और रॉक स्टार थोड़ा सो अग्रेसिव हो रही है अपना देख के आ राजलक्ष्मी है चुपचाप खड़ी एकदम शांत तरीके तो पहला भाई साहब बात करांगा अच्छा राजलक्ष्मी है राजलक्ष्मी कितनी उम्र है इंगी जी 5 साल है जी अच्छा 5 साल है राजलक्ष्मी हाँ और रॉक स्टार की रॉक स्टार 20 मंथ है जी अच्छा तो रॉक स्टार वो के नाम रखे रॉक स्टार जहाँ कोई हीरो है जहाँ कोई स्टार है ये मेरे भाई की पसंद है जी अच्छा भाई की पसंद है जी अच्छा राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी तो अपने खुद के नाम बढ़िया लगे राजलक्ष्मी एक हीरोइन होती थी राजलक्ष्मी पता है नहीं जी वो तो नहीं हीरोइन होती बढ़िया लगती था ना जल्दी रखियो नाम है कितना टबर है राजलक्ष्मी का इंगा जी पहला बच्ची एक अब वो दूसरो बच्चो है जी अच्छा अब वो दूसरो बच्चो है हाँ जी ठीक है जी ठीक है अच्छा अब क्रॉसिंग होगी क्या हाँ जी 40 दिन आगे 40 दिन खड़ू करवा के लिए गांव में ही है जी कैसी स्टेट फार्म में हाँ जी कितने रुपए लिए क्रॉसिंग इनका जी 31,000 रुपये लोग तो भाई जी 2-2 लाख रुपए दे बताओ अभी इनकी अभी नॉर्मल ही है फीस नहीं आगे तो नॉर्मल है और बहुत सी जगह 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस है क्रॉसिंग वो 1.5 लाख रुपए दे के थे हम खुद ठीक है वो उसके रॉक स्टार के बाप को जो रॉक स्टार का पिता आंगा पिताजी है जो क्रॉसिंग करे 1.5 लाख रुपया बिंग फीस है हाँ जी मतलब दिलबाग बच्चो है दिलबागो बच्चो और इन बाप की फीस है जी की मतलब 2 लाख रुपए फीस है जी अच्छा 2 लाख रुपए फीस है तो मेला के आपा अंदरला पास आ चुके हैं अंदरले छोर पर अठे थे जो दुकाना देख पा लो अठे जो घोड़ा का संसाधन है जो पशु आपा घर रखा जाए आपा बैल रखा चाहे गाय रखा चाहे घोड़ा वगैरह मूर वगैरह जो बोलिया करे पिट्ठी होकर और ए जो घंटिया वगैरह अंदर डालने चाहे घोड़ी और आ जो मुंह के अंदर की जो मुर होगी और ए पैरों के ऊपर जो बांधना जो जनकार होकर जो घुंघरू आमतौर पर आप घर गाय भैंस रखा तो बांधे बांधे करा और भी बहुत सारी चीजें हैं अठे तरह तरह के 18वां बटनेर अश्व मेड़ो परवान के ऊपर है बता दू थाना पर अठे फ्लेक्स बोर्ड खड़े हैं तो रिंग डेटा 15-16-17 यानी कि 15-16-17 ने जो रिंग जो है अंदर घोड़े ने लाल ले दौरान आप एक रिंग अंदर वीडियो बनाई ही प्रत्येक लोग तो बड़ा प्रतियोगिता होगी घोड़ा की और रिंग सागे सागे बता दू थाना 11 तारीख को मेड़ो शुरू हुए है तो अब जी 2-3 दिन बीते है तो मेला के अंदर चहलकदमी और ज्यादा बड़ा ले रहे हो लास्ट टाइम पर लास्ट का जगह 2 दिन है भी दौरान मेला के अंदर
और भी भीड़ होगी। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति तरीके राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तारा गाँव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर हमारा फोन करो, मैसेज करो, मैं तारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। और 18वां बटनेर अश्व मेलो जंक्शन में नवा बाईपास पर आयोजित हो रही है, थारी के प्रति के प्रतिक्रिया है। और अगर थे मेले के अंदर ना आया हो तो एक बार अश्व मेले के अंदर आके देखो और तरह तरह का गाठा थाने घोड़ा अलग अलग प्रजातियां का मिलेगा और बड़ो ही अच्छा लगेगा थाने मेले के अंदर आके। तो वीडियो के प्रति जो भी राय हो, घोड़ा जो आपका थाने जो जो दिखाया, बांग प्रति जो भी विचार हो कमेंट में जरूर मेंशन करियो। तो मने दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।